गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि लाइफ स्टाइल। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मॉर्निंग हो चुका है और मैं शावर वगैरह भी ले ली हूँ और मुझे नाश्ता बनाना है, तो मैं नाश्ता और फटाफट बनाती हूँ। और आज मैं नाश्ता और लंच एक साथ ही बना लूँगी और वही लंच मैं दोपहर में भी लेने वाली हूँ। तो नाश्ता बनाना है और अभी सुबह सुबह यहाँ पे तो बहुत ही धूप, कड़क धूप उग चुकी है क्योंकि धूप लग रहा है कि बहुत ही है। और अभी मैं आपको बता दूँ, अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी टाइम जो हुआ है वो 8:30 हुआ है। और मेरा आदत है कि मैं मॉर्निंग में ही जल्दी ही शावर ले लेती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं जो भी काम रहता है वो करती हूँ। तो मैं शावर वगैरह तो ले ली हूँ, अब बस नाश्ता बनाना है, तो मैं फटाफट नाश्ता बना लूँगी। कटिंग वगैरह हो चुका है तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं तुरंत नाश्ता बनाती हूँ और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। बहुत ही धूप हो चुका है, अभी 8:30 ही बज रहे हैं पर चेन्नई के वेदर के अनुसार धूप बहुत ही कड़क है। धूप हो चुका है, अभी इतना धूप है जैसे लग रहा है कि कितना मतलब टाइम हो चुका है, कुछ इस टाइप का महसूस हो रहा है। तो बहुत ही धूप है, तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि क्या है ना, कि जब अभी तो एटलीस्ट दिसंबर है बट जब पूरे गर्मी का टाइम आ जाएगा, जैसे जब बहुत ही ज़्यादा कड़क की गर्मी पड़ती है जैसे मई है, जून जुलाई, तो इधर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, उस टाइम थोड़ा मुश्किल होता है। आज मैं ब्रेकफास्ट में जो सब्जी बनाने वाली हूँ वो बैंगन, आलू और सेम की सब्जी, जो कि एक मिक्स सब्जी है और ये बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो बस इसे हम ब्रेकफास्ट में बना लेंगे। और मैं इसे स्पेशली कुकर में बनाने वाली हूँ तो ये बहुत ही जल्द बन जाएगा। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें हल्का जीरा का फोरन डालेंगे, फ्राई करेंगे और इस टाइम पे हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। प्याज और मिर्चा हल्का फ्राई करने के बाद हम सब्जी ऐड कर देंगे। सब्जी में हम थोड़ा मटर भी ऐड कर देंगे। ठंड में जो सब्जी वगैरह जो बनाते हैं उसमें हमें बहुत सारा वेजिटेबल मिल जाता है और सभी को मिक्स करके बनाने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सब्जी फ्राई हो चुका है, मैं उसमें टमाटो एक ऐड कर रही हूँ और इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा गुड़ी का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सब्जी मसाला 1 टीस्पून और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। उस समय पर हम थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर देंगे और इस मसाले में मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है, तो अब इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से और सॉल्ट भी ऐड कर देंगे इसी समय पर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब, सॉल्ट स्वाद अनुसार और मिक्स करते हुए अच्छे से इसे पहले फ्राई करने पे हम धनिया की लीव्स भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करते हुए। देखिए सब्जी फ्राई हो ही चुका है और 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। सब्जी फ्राई हो चुका है देखिए अच्छे तरीके से, अब हम इसमें वाटर ऐड करके इसे एक सीटी आने तक पका लेंगे। ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करेंगे, बस इतना वाटर ऐड कर दी हूँ, इसे मिक्स करके सैलड जो है वो कट कर ले रहे हैं।
करें। मैं आटा का डो लगा ले रही हूँ। बस मैं अभी ब्रेकफास्ट करने आ चुकी हूँ और मैंने जैसे कि ब्रेकफास्ट में बनाया वो सब्जी, वो मैं पहले टेस्ट करती हूँ कैसा बना है आज। और मेरा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुका है और रोटी सब्जी एंड सैलेड। तो बस तो वेजिटेबल बनाया ना, बहुत ही यम्मी बनाया, बहुत ही टेस्टी आज बनाया। मैं खा के अभी देखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा शायद अच्छा ना बने बट सब्जी अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, तो बहुत ही यम्मी लग रहा है इस तरह से सब्जी। एक बार आप लोग बना कर। मैं अभी अभी लंच की हूँ और मैंने मॉर्निंग में ही जो रोटी बनाई थी और सब्जी, तो वही मैं लंच में ली हूँ। और बात क्या है ना कि मैं आप लोग से एक बात करना चाहती थी, मेरे मन में बहुत खटक रहा है, पता नहीं इस साल मेरा कैसा जा रहा है। और लास्ट भी बीतते बीतते भी जैसे कि 2018 दिसंबर में लास्ट में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर में चोट लग गए थे। और अभी मैं देख रही हूँ इधर लगातार, जैसे कि कल मैं आप लोगों को बता दूँ, कल मैंने कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया था। और कल क्या हुआ ना कि मेरा हाथ जो है वो कट गया। और ठीक है चलो, पहले हाथ कटा, फिर काम कर रही थी मैं, और फिर
और जैसे कि पहले तो मैं वेजिटेबल काट रही थी नॉर्मल जैसे डेली लोग काटते हैं, उसी तरह पता नहीं कैसे मेरा हाथ कट गया, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, शो कर टाइप से कटा है पूरा, यहाँ पे पूरा लग गया है। वो तो कहिए कि बस थोड़ा सा नाखून बच गया, नहीं तो पूरा नाखून में भी लग सकता था। और बहुत बड़ा ही हाथ, मतलब पूरा उंगली में अच्छा खासा जख्म हो सकता था, बट ये हल्का हुआ। बट उसमें जो ब्लडिंग था ना, वो मतलब रुक ही नहीं रहा था। और बहुत, फिर मेरे पास हैंडी प्लस था, पर उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं जल्दी से उसे ढूंढी, क्योंकि मैं किचन में थी। फिर मैं तुरंत उंगली धोने लगी, मतलब बहुत थोड़ी सी मैं परेशान हो गई। उसके बाद फिर मैं हैंडी कैप ला के फिर उसे लगाई उंगली पे, तो फिर जो ब्लड था वो रुक गया। ब्लड रुक गया तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए एकदम चुपचाप से बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद हम लोग पॉपकॉर्न बनाने के लिए उठे और पॉपकॉर्न बना रही थी मैंने। मुझे 2 पैकेट पॉपकॉर्न बनाने थे, मैंने 1 पैकेट पहले बनाए और फिर क्या मन में आया ना कि मैं एक बार में नहीं डाली और फिर मतलब सोची कि 2 बार पहले देख लेती हूँ एक बार बना के कि वो कितना होता है, फिर मैं दोबारा फिर कम लगेगा तो बनाऊंगी। और ये सोच के मैंने पहले 1 पैकेट डाला और वो हो गया। फिर मैंने फिर 1 पैकेट और डाला। फिर जब वो मैंने बनाया कुकर में, कुकर तो बहुत ज़्यादा ही हीट था और कुकर में मेरा हाथ सट गया और अच्छा खासा जल गया, दिखाती हूँ मैं। देखिए किस तरह से हाथ जल गया है। ये तो अभी आपको कम लग रहा है, क्योंकि ये कल जब जला था और मैंने फिर तुरंत आइस निकाला फ्रिज से। तुरंत आइस निकाला फ्रिज से और तुरंत से उस पर लगाई, तब जाकर उस पर फोका नहीं हुआ, नहीं तो फिर फोका हो जाता ना तो और भी प्रॉब्लम हो जाता। और पता नहीं मुझे थोड़ा अजब लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कुछ दिन से, मतलब बार बार कुछ ना कुछ हो जा रहा है, तो मुझे बहुत ही मतलब अंदर से मतलब फीलिंग एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। और मतलब बोलते हैं ना कि कुछ भी अंदर में बुरे बुरे ख्याल आना, तो मुझे वो बहुत मतलब परेशान हो रही थी मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने घर फोन किया, फिर घर पे बात वगैरह की तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बट कभी कभी जब मैं सोचने लग रही हूँ तो मुझे फिर से ऐसा लग रहा है, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आई होप आगे सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि लाइफ में सब कुछ बैलेंस और सब कुछ सही होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आप लोग डिनर आज कर लिए होंगे। और अभी बस मैं भी डिनर करने जा रही हूँ, और मैंने तो डिनर में बस मसाला ओट्स और यही मैं बनाई हूँ, मसाला ओट्स और खीरा खाने वाली हूँ। और आप लोगों ने क्या बनाया है कमेंट करके बताइए जरूर। मैं डिनर करती हूँ और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रुचि लाइफ स्टाइल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा हर एक वीडियो देख पाए। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।